लौकी की मसाला कड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लौकी को छील दिया है और इसे हम एक नॉर्मल साइज़ में कट करेंगे। खुद का में हमने इसे कटिंग पीस को डाल दिया और थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच सिर्फ पानी, क्योंकि दूधी लौकी का अपना खुद का पानी होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं, उसे हमने 3 विसल लगा दिया है। अब यहाँ कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल लिए, उसमें थोड़ा सा डाला जीरा और उसके बाद हमने डाले हैं प्याज, उसके साथ साथ डालेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छे से सबको पका लेंगे। उसके बाद 2 टमाटर यहाँ पर, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है। मसालों में डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर, अच्छे से मसालों को भून लेंगे। उसके बाद हमने ग्रेवी किया जो टमाटर है वो उसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो तेल है मसाला छूट नहीं जाता। उसके बाद जो हमने बॉईल की दूधी इसको मैश कर लेंगे, उस मैश की दूधी को हम इस टमाटर की ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और फाइनली गार्निश कर देंगे हरे धनिए से।